एआईएमआईएम के पदाधिकारियों द्वारा नगर में समस्त मार्ग पर अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में सौंपा मांग पत्र। जरवल बहराइच नगर पंचायत जरवल निवासी रजीउद्दीन बच्चन जिला महासचिव ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले एक मांग पत्र नगर पंचायत अधिकारी अधिशासी देव कुमार को सौंपा। एआईएमआईएम के जिला महासचिव बहराइच रजीउद्दीन के नेतृत्व में नगर वासियों के साथ जरवल कस्बा के लगभग सभी मार्ग पर अतिक्रमण से परेशान होकर आपको अवगत कराता हूं कि आम रास्तों पर लोगों ने तक बेंच छज्जा जीना चबूतरा आदि कब्जा करके आम रास्ते को पूरी तरीके से बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आए दिन लोगों को आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा अतिक्रमण किए लोगों को मना करने पर लोग और भी ज्यादा अतिक्रमण करने की धमकी देते हैं, जिससे नगर प्रशासन भी हिला हवानी व मिलीभगत का सीधा हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है, जो कि धड़ाके से लोग आम रास्तों पर कब्जा किए हुए हैं और नगर पंचायत जरवल के प्रशासन पूरी तरीके से मौन है, क्योंकि नगर प्रशासन के पास कोई गाइडलाइन नहीं है। इसकी अनदेखी की वजह से अतिक्रमण की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और ऐसा ही रहा तो कुछ सालों पहले जिस रास्ते से बड़ी वाहन गुजर जाया करते थे, आज उन रास्तों पर मोटरसाइकिल ले जाना दुश्वार हो रहा है। एआईएमआईएम के जिला महासचिव रजीउद्दीन बच्चन ने मीडिया को अवगत कराते हुए कहा कि इस मांग पत्र के माध्यम से नगर प्रशासन को अवगत कराता हूं कि एक सप्ताह के अंदर अवैध अतिक्रमण पर नगर प्रशासन कार्यवाही नहीं करता है तो मैं अपने नेतृत्व में नगर के जिम्मेदार लोगों के साथ नगर पंचायत कार्यालय का घेराव करेंगे तथा चक्का जाम व अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर जेल भरो आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि यह बड़ी विकराल समस्या है। नगर प्रशासन इस पर सख्त कदम उठाकर नगर को अतिक्रमण मुक्त कराकर नगर वासियों का सहयोग करे, नहीं तो नगर पंचायत कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और नगर वासियों के साथ कार्यालय का घेराव करते विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर महफूज आलम, नसरुद्दीन, शरीफ अहमद, मोहम्मद आसिफ, तुफैल ओवैसी, रिजवान, बारा खान, नूर अहमद आदि पदाधिकारी तथा नगर वासी मौजूद रहे। खान के साथ सिराजुद्दीन जो है बच्चन भाई, अभी आपने एक मांग पत्र दिया है अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत जरवल देव कुमार जी को, तो वो कौन सा मांग पत्र, क्या किस लिए आपने मांग पत्र दिया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने मांग पत्र दिया है, नगर पंचायत जरवल में बहुत सारा अतिक्रमण है, जिससे लोगों ने अपने सामानों को रोड पर छोड़कर रोड पर कब्जा कर रखा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जी। और भी बाजारों में बहुत सारी चीज़ें हैं, जितनी बड़ी दुकान है उससे ज़्यादा बड़ा उनका आगे का तख्त है, जीने बनवा रखे हैं, जिससे आए दिन ये समस्या और विकराल होती जा रही। हम चाहते हैं कि नगर प्रशासन इस पर जांच कराकर जो भी अतिक्रमण है, जो सार्वजनिक रास्ते पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसको हटवाया जाए जी। नहीं, ये तो आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जो गाड़ियों से बाहर से लोग आते हैं उनकी गाड़ियां फंस जाती हैं, गाड़ियां टूट भी जाती हैं और नुकसान होता है। नहीं, ये तो आपने एक अच्छी पहल की है नगर पंचायत के लिए, क्योंकि भीड़ भाड़ ना हो और रास्ते सब सही रहें, खुले रहें, सब लोग आए जाएँ। अच्छा, अगर बाई चांस ये कार्रवाई नहीं होती है, सब रास्तों जो अवरुद्ध हैं, जो लोग कब्जा अवैध तरीके से किए हुए हैं दुकान के आगे, अगर नहीं होता तो भविष्य में क्या करने की योजना है? देखिए, हमने अधिशासी अधिकारी महोदय को रिक्वेस्ट के साथ कहा है कि इसको हटवाया जाए, अगर ये नहीं होता है तो हम आगे आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नगर पालिका कार्यालय का घेराव करेंगे, क्योंकि ये समस्या मेरी नहीं है, पूरे नगर वासियों की है। करीब 25,000 की आबादी का ये नगर पंचायत जरवल बहुत ही बुरी तरीके से अवैध अतिक्रमण से प्रभावित है, और ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। हम अनुरोध करेंगे प्रशासन से, इसको संज्ञान में लेते हुए इसका हल निकाला जाए। सब्सक्राइब करें फखरापुर की आवाज़ चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।